प्रदेश में लंबे समय से बारिश न होने के कारण सूखे जैसे हालात बन गए हैं, जिस वजह से किसानों बागवानों को फसलों के खराब होने की चिंता सताने लगी है। देवभूमि, जागरण मंच और हिंदू संगठनों द्वारा बारिश होने की कामना और लोगों की खुशहाली के लिए कुल्लू स्थित भूतनाथ मंदिर में जल छाई का आयोजन किया गया। देवभूमि जागरण मंच के उपाध्यक्ष रोहित राणा ने कहा कि व्यास नदी से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया है और भोलेनाथ से जल्द बारिश होने की कामना की गई है। उन्होंने बताया कि करीब 35 वर्ष पूर्व भी कुल्लू घाटी में बारिश न होने की स्थिति में इस तरह का आयोजन किया गया था। आज हमने ये जल छाई का जो ये रखा हुआ था, ये आज से पहले भी 30-35 साल पहले हुई थी। जब जब यहाँ पे जैसे 3-4-4-5-5 महीने कभी बारिश नहीं होती थी, तो उस दौरान हमें भी याद है, हम छोटे छोटे थे, तो एक बार यहाँ पर दरिया से जो पानी खींच के जैसे बाल्टियों के द्वारा आदमियों के जैसे लाइनें लगा के तो शिव जी की पिंडी को पूरा डुबोया जाता है और इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। हम भी सुबह 7 बजे के लगे होते, तो अब जाके जो है शिव जी की वो पिंडी जो पूरी डुबाई की है। और इससे ऐसी कहावत है कि भी जैसे जो पिंडी जब जब पानी से पूरी भर जाती है, तो उसके बाद जो है बारिश आने की पूरी संभावना होती है और भोलेनाथ जो है खुश हो जाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि घाटी में बारिश न होने और आगजनी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इन सभी समस्याओं से निजात पाने व भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक कर जलछाई का आयोजन किया गया है। उन्हें उम्मीद है कि किसानों बागवानों की फसलों के लिए भगवान भूतनाथ की कृपा से बारिश जरूर होगी। से 3-4 महीने से बारिश नहीं हुई है और आप देखो जंगलों में आग लग रही है, पशु पक्षी जो सारे परेशान हैं, खास करके जंगलों में जो हमारी गाय वगैरह रह गई उनको भी दिक्कत है। तो बारिश को लेकर एक कार्यक्रम होता है जलछाई का, जिसमें शिवजी भगवान का जलाभिषेक किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जलाभिषेक करने के बाद भगवान बारिश छूट देते हैं। आज हमने भूतनाथ मंदिर सरवरी में जलछाई का कार्यक्रम किया, जिसमें हमने अपने बुजुर्गों से पहले सुना था कि अगर वर्षा ना हो तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने हेतु पूरी शिवलिंग को जलमग्न किया जाता है साइडों से रोक लगा के।